जय श्री राधे कृष्णा। आज की कहानी शिशुपाल का वध। वासुदेव जी की बहन रानी सुतासुभा और छेदी के राजा दमघोष के पुत्र का नाम शिशुपाल था। जब वह उत्पन्न हुआ तब उसके चार हाथ और तीन नेत्र थे। इस विचित्र शिशु को देखकर सब लोग इसे राक्षस समझकर इसको त्याग देने का मन बना लिया था। तब आकाशवाणी हुई कि आप इसका पालन पोषण करें, यह बहुत बलवान होगा। आकाशवाणी सुनकर शिशुपाल की माता ने कहा कि जिसने यह आकाशवाणी की है उससे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वो ये बता दे कि इस बालक की मृत्यु किसके हाथों होगी। तब आकाशवाणी ने कहा कि जिसके छूते ही इसके एक आंख और दो हाथ लुप्त हो जाएंगे उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तब विचित्र शिशु को देखने के लिए सभी राजा लोग आने लगे। शिशुपाल की माता सबके गोद में शिशु को रखती थी। उसी समय रानी सुतासुभा के भाई वासुदेव जी के पुत्र बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान भी वहां गए। जब श्री कृष्ण भगवान की गोद में इस विचित्र शिशु को रखा गया तब उसके एक नेत्र और दो हाथ लुप्त हो गए। ये देखकर शिशुपाल की माता थरथर कांपने लगी। उसने अत्यंत दीन भाव से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप सबको अभय देने वाले हैं, अतः मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि आप शिशुपाल का कभी वध मत कीजिएगा। यदि ये कोई अपराध करे तो आप मेरी ओर देखकर इसे क्षमा कर दीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ से कहा कि यदि ये वध करने योग 100 अपराध करेगा तो भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा, आप चिंता ना करें। श्री कृष्ण भगवान से ऐसा आश्वासन पाकर शिशुपाल की माता प्रसन्न हो गई। यही कारण है कि शिशुपाल द्वारा अपराध करने पर भी श्री कृष्ण भगवान मौन रहते थे, कभी कार्रवाई नहीं करते थे। इस कारण का लाभ उठाकर शिशुपाल यादवों पर ही अत्याचार करने लगा। वो श्री कृष्ण के विरोध में कार्य करता था। एक बार शिशुपाल ने तो तपस्वी बभ्रू की पत्नी का अपहरण कर लिया। एक बार श्री कृष्ण भगवान के पिताजी यज्ञ कर रहे थे तो ये वहां उत्पात मचाया और यज्ञ में विघ्न डाला। जरासंध का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। वापस आकर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत कहा, जिसे सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करवा दी। उस यज्ञ के रितिज आचार होते थे। ऋषियों ने शास्त्र विधि से यज्ञ भूमि को सोने के हल से जुतवा कर धर्मराज युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोमलता का रस निकालने के समय यज्ञ की भूल चूक देखने वाले सतपतियों की विधिवत पूजा की। अब समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव उठकर बोले, श्री कृष्ण देवन के देव, उन्हीं के सबसे आगे लेव। ब्रह्मा शंकर पूजत तिनको, पहली पूजा दीजिए उनको। अक्षर ब्रह्मा कृष्ण यदुराई, वेदन में महिमा तीन गाई। अग्र तिलक यदुपति को दीजिए, सब मिली पूजन उनको कीजिए। परम ज्ञानी सहदेव के वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कहकर पुकारा। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। चेदी राज शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ ये सब दृश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा प्रस्तावित तथा भीष्म के द्वारा समर्थित श्री कृष्ण की अग्र पूजा को वह सहन न कर सका और उसका हृदय क्रोध से भर उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है? जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है। क्या इस कृष्ण से आयु बल तथा बुद्धि में कोई भी बड़ा नहीं है? बड़े बड़े त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि यहाँ पधारे हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या इस गाय चराने वाले गोले के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या कौआ हविष्यान ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? ना इसका कोई कुल है, ना जाति, ना ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। ये जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है? यज्ञ को सफल बनाने के लिए वहाँ पर भारतवर्ष के समस्त बड़े बड़े ऋषि महर्षि भगवान वेद व्यास, भारद्वाज, सुनत गौतम, असित, वशिष्ठ, च्वान, कंडक, मैत्रेय, कवश, चित्त, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, क्रतु, पेल, पराशर, गर्ग, वैश्मपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य,
परशुराम, शुक्राचार्य, असुरी, बीतहोत्र, मधुदोंदा, वीरसेन, अकृत व्रण आदि उपस्थित थे। सभी देशों के राजाधिराज भी वहां पधारे। इस प्रकार शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्ण को गाली देने लगा। उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्धत हो गए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका, तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर्रा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के भीतर समा गई और वह पापी शिशुपाल, जो 3 जन्मों से भगवान से वैर भाव रखता आ रहा था, परम गति को प्राप्त हो गया। ये भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे सनकादि मुनियों ने शाप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने एवं श्री कृष्ण के हाथों अपनी परम गति को प्राप्त होकर पुनः विष्णु लोक लौट गए। श्री कृष्ण भगवान द्वारा उसके अपराध की उपेक्षा करने के कारण शिशुपाल का मन बहुत अधिक बढ़ गया और वह निर्भीक होकर श्री कृष्ण भगवान के विरुद्ध कार्य करने लगा। श्री कृष्ण भगवान अपने दिए हुए वचन के अनुसार चुपचाप गाली सुनते रहे और विरोध में कुछ न बोले। जब शिशुपाल 100 से अधिक गालियां दे चुका, तब भी श्री कृष्ण भगवान राज समाज में बोले कि यद्यपि ये मेरा संबंधी है, फिर भी ये हमसे द्वेष करता है और हमें हानि पहुंचाने में इसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैंने इसकी माता को इसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, जब पूरा हो गया है। आप सब लोग देख रहे हैं कि ये कैसे निर्भीक होकर मुझे गालियां दिए जा रहा है। अब आज मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सबके सामने ही उद्दंड शिशुपाल का सिर काट दिया। कहने का आशय यह है कि यदि अपना संबंधी विरोधी हो तो वह सतत विरोध में ही कार्य करता है और ना करने योग्य कार्य करने लगता है। ऐसे करते समय उसको संकोच, भय और लज्जा नहीं आती, वह निर्भीक होकर कार्य करता है। मूर्ख मित्र संबंधी की अपेक्षा ज्ञानवान शत्रु अच्छा माना जाता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में देवर्षि, महर्षि, राजश्री और अनेक राजा महाराजा उपस्थित थे। किसी ने श्री कृष्ण भगवान की अग्र पूजा का विरोध नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान का संबंधी शिशुपाल आगे आकर सबके सामने उनका अपमान, निंदा और गाली देने लगा। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि कौन हमारा हित करने में लगा है और कौन हमारे विरोध में कार्य कर रहा है। इसलिए गुण दोष के आधार पर शत्रु और मित्र बनाना चाहिए और उनसे सतर्क रहना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा।